अलीगढ़ में जाम की समस्या को लेकर गांधी पार्क स्थित पुराने रोडवेज बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद करा दिया गया है। इसे लेकर गांधी पार्क बस स्टैंड पर निरीक्षण के लिए पहुंचे एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट व एसपी ट्रैफिक मुकेश कुमार उत्तम ने नई व्यवस्था के तहत एटा, कासगंज, आगरा आदि को जाने वाले बसों को मसूदाबाद बस स्टैंड भिजवाया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। जो बस चालक परिचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ चालान व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एआरएम अरुण कुमार ने बसों के संचालन के बारे में जानकारी दी। बस स्टैंड को बंद करने से यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को बसों की सही जानकारी देने के लिए पूछताछ केंद्र पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड से ई बसों का संचालन कराया जाएगा। समस्या यही है कि ये हमारा कई वर्षों का पुराना बस अड्डा है, मतलब जो है आज का नहीं है कि आज नया खोला गया है, और हमारे बस अड्डे से ही हर जगह सवारियां, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन करीब है तो यहाँ से जो है यात्री हमारे मतलब जो है मिलते हैं, इसी से हमारे राजस्व को अच्छा अर्निंग आती है। लेकिन जब से यहाँ से बस अड्डे से बसें हमारी डाइवर्ट हुई हैं, कम से कम 25% रेवेन्यू में फ़र्क पड़ा हुआ है। पर डे 25% का घाटा आ रहा है। हमने प्रशासन से केवल ये रिक्वेस्ट किया कि चलिए बाहर की गाड़ियां हम बंद कर देंगे, बाहर की गाड़ियां कोई नहीं अंदर आएंगी, लेकिन जो है हमारी जैसे बुद्ध विहार है, अलीगढ़ है, ये डिपो का बस अड्डा है, तो यहां से ये गाड़ियां लगे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं। प्राइवेट गाड़ियां यहां से निकलेंगी तो रोड पे बताइए हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस अड्डे पे थोड़ी लगी है, रोड पे अगर चल रही है तो प्रशासन उसको रोके, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, हम थोड़ी कार्रवाई कर सकते हैं प्राइवेट बस पे, जो भी कार्रवाई करना है तो प्रशासन करेगा, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर थोप दिया जा रहा है कि आप नहीं देख रहे हैं, वो उसको हमको थोड़ी देखना है, ये खुदे देखें, प्रशासन देखे ना इस चीज़ को। है एडीएम सिटी और ट्रैफिक एसपी आए थे, क्या रहा था? कुछ नहीं रहा, बस वो तो रोडवेज को कहते हैं कि बंद कर दीजिए यहाँ से, इसके वजह से जाम लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे रोडवेज के बस से कोई जाम नहीं है, किसी को भी कोई जाम नहीं है। केवल अगर यहाँ प्राइवेट ऑपरेशन प्लस ई रिक्शा अगर कम हो जाए तो बिल्कुल जाम नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।